देखो अम्मी ये इसे तुम्हें बहुत दिनों तक क्या भी ख़राब नहीं हो जैसा रखना हो तो नमक इस्तेमाल करना। मेरे पास ये दही का एक बड़ा बॉक्स था तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट लेयर नमक डालती हूँ। ये इमली आको मैं रिसेंटली इंडिया से लेको इसो, तो ज़्यादातर मैं इतना ज़्यादा लेको नहीं रखती यहाँ ख़रीदना का। तो ये इंडिया की इमली, तो इसे अच्छे से कैसा स्टोर करना, बहुत दिनों तक तुम ना साल तक भी कभी ख़राब नहीं होती। तो पहला लेयर नमक डालेंगे हमें, देखो ऐसा पूरा नमक का एक लेयर बिछा डालना। अब नेक्स्ट थोड़ी थोड़ी इमली लो, लेको इसमें प्लेस कर लेते हो ऐसा। देखो अब एक लेयर ये होगा, आप इसके ऊपर और थोड़ा नमक डालो। नेक्स्ट दोबारा ऐसा अच्छा लेयर बाय लेयर तुम्हें इमली को रख लेते जाना। रखो तुम्हें एयर टाइट बॉक्स में अच्छा पैक करके रखेगा तो एक साल तक भी तुम्हारी इमली ख़राब नहीं होती। देखो ये देखो ये सीडलेस है, तुम ना इंडिया में विथ सीड्स विदाउट सीड्स दोनों रकम के मिल जाती हैं तुम ना, तो कभी भी लाको रख लेना का तो ऐसा तुम्हें ज़्यादा लाको स्टोर कर ले सकती। तो ऐसा लेयर बाय लेयर तुम्हें दाल लाल को अच्छा ज़्यादा सा नमक दाल लाल को रखो तुम्हें। अगर मोटा नमक मिला तो वो भी बहुत अच्छा, नहीं मिला तो इसमें चला लेना। कम से ज़्यादा नमक पड़ा तो भी क्या बनी। अच्छा अच्छा डिफरेंस दिखाते हैं। देखो ये है सो इंडिया से जो सीडलेस इमली ली वो ये है, हमें पहले से ख़रीद कर रखी थी ये वो। इसमें तुम ना हर एक इसमें भी फुल सीड्स मिलती, ज़्यादा पल्प नहीं मिलता तुम ना इसी इमली में। तो जब भी ख़रीदती सीडलेस बॉल को तो मैं ख़रीद सकती, ये पूरा क्लीन करके रहती हूँ तुम ना। जस्ट तुम्हें स्टोर करना का तो ऐसा लेयर बाय लेयर रखो, नमक अच्छा छिड़क को रखो, साल तक भी तुमने क्या भी ख़राब नहीं होता। देखो इसके अगर एयर टाइट है तो बहुत अच्छा, नहीं तो भी ऐसे कैसे भी प्लास्टिक रहेगा तो रखो ऊपर ऐसा कवर कर लो।